नमस्कार, पांच के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कांग्रेस, जिसे देश की सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है, 1885 में बनी ये पार्टी अपने गठन के 136 साल पूरे करने को है, लेकिन ये पार्टी आज एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए संघर्ष कर रही है। जिस पार्टी के आजादी के बाद से अब तक 19 अध्यक्ष हुए हैं, वो आज एक अंतरिम अध्यक्ष के बूते पर चल रही है। वो पार्टी जिसने देश की सत्ता पर 50 साल से ज्यादा का समय बिताया, ज्यादा समय में राज किया, वो एक अदद अध्यक्ष के लिए 2.5 साल से इंतजार कर रहे। हालात ये है कि कांग्रेस, जो कि आज देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो आज अपने लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही है। उल्टा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, जिसका इंतजार लंबे समय से पार्टी के नेता कर रहे थे, उसमें भी वही ढाक के तीन पात वाला सीन देखने को मिला, जहां नए अध्यक्ष को लेकर अगले साल तक का इंतजार करने का फैसला लिया गया है। साथ ही सोनिया गांधी ने भी G23 के नेताओं को साफ कर दिया कि कांग्रेस में उनकी ही चलेगी। गांधी परिवार का वर्चस्व कांग्रेस पर इसी तरह रहेगा। सोनिया ने कहा कि अगर पार्टी नेता उन्हें कह दें तो वो कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, उनसे मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है। और सोनिया गांधी के इस नसीहत में पार्टी नेताओं ने हां में हां भी मिलाई, यानी कि संदेश साफ है कि पार्टी में सोनिया गांधी के फैसले से जो नाराज है वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस में एक तरफ हाहाकार मच गया। 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी में इधर देयर इज नो अल्टरनेटिव प्रभाव देखने को मिला। ऐसे में सोनिया गांधी ने फिर से पार्टी की कमान अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर संभाली, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पार्टी परिवार से आगे देखती नजर नहीं आ रही, और जो गांधी परिवार की बात नहीं सुनेगा उसको पार्टी में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के पास नहीं है कोई अध्यक्ष का चेहरा? क्या गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई वजूद नहीं? क्या कांग्रेस के लिए इतनी जरूरी है सोनिया गांधी? लेकिन इससे पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा है पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने। बड़ा देश का सदस्यता अभियान छेड़ने की शुरुआत 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। दूसरी उसमें महत्वपूर्ण तिथि है 16 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर और ब्लॉक प्रेसिडेंट इत्यादि का चुनाव होगा। तीसरी महत्वपूर्ण तिथि है 1 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक, जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और पीसीसी के मेंबर्स का चुनाव होगा। चौथी महत्वपूर्ण तिथि है 21 जुलाई 2022 से 20 अगस्त 2022 तक, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। और पांचवी महत्वपूर्ण तिथि है 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होगा, और इसके ठीक बाद प्लेनरी सेशन में कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों इत्यादि के चुनाव की तिथि प्लेनरी सेशन जो प्रथा रही है वो उसको निर्धारित करेगा। तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए अगले साल तक का इंतजार करना होगा। यही कहा जा रहा कि सितंबर में नए अध्यक्ष का चेहरा सामने आएगा, लेकिन कौन होगा वो, किस तरीके से इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अविजित और बीजेपी नेता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं डॉक्टर अंशुल जी का। डॉक्टर अंशुल, लगातार कांग्रेस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे और लंबा इंतजार था कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल सकता है, लेकिन एक बार फिर से ये इंतजार बढ़ गया है। क्या कांग्रेस में सोनिया गांधी के बिना कोई वजूद नहीं है कांग्रेस का? क्या ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं इनका जवाब कभी मिल पाएगा, या अगले साल फिर से इंतजार की एक और घड़ी तय कर दी जाएगी? किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कोमल जी? देखिए, हम ये पार्टी ऐसी है जो जमहूरियत में विश्वास करती है, एक प्रजातांत्रिक दल है, बहुत लंबी पार्टी है और ये हमेशा ऐसे विश्वास करती आई है। तो ये जो प्रक्रिया है संगठन के चुनाव की, ये तो इसकी तो इसका तो ऐलान हो चुका है, ये हमने घोषित कर दिया है, ये अनाउंसमेंट हो चुका है आज, और इसकी प्रक्रिया शुरू होगी 1 नवंबर से लेके, और उसमें तो समय लगता है। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे सदस्य हैं इसकी, और संगठन बहुत व्यापक है, तो इसमें तो समय लगेगा ना, 1 साल तो लगेंगे इसमें चुनाव की प्रक्रिया के पूरे होने में तक। तो अगले साल तक सितंबर तक एक पार्टी का एक नया नेतृत्व सामने आ जाएगा, तो इसमें इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, इसमें कोई प्रश्न सवाल खड़े नहीं हो रहे। और अब मैं बताऊंगा कि पहले
नवंबर से जो ये अभियान शुरू होगा, सबसे पहले सदस्यता का अभियान शुरू होगा, उसके बाद हम जिला में जाएंगे, वहां पर बूथ कमेटी मेंबर होते हैं, वहां पर ब्लॉक कमेटी मेंबर होते हैं, वो चुने जाएंगे, फिर मरकज की तरफ आएगा यहाँ पर पूरा अभियान, जहां पर स्टेट के वजह से AICC जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, वो चुने जाएंगे, और यही AICC मेंबर जो रियासतों से आते हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष को चुनेंगे। CWC का चुनाव बाद में वो अनाउंस होगा कौन सी उसकी तारीख होगी। तो सब कुछ तो स्पष्ट आ गया सामने, कौन से सवाल उठ रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। सवाल तो लगातार उठ रहे हैं G23 के जो नेताओं को लेकर, फिर चाहे उनकी संतुष्टि को लेकर हो, चाहे फिर यही देखा जा रहा हो कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लिया जा रहा है। आपने तो जवाब दे दिया, लेकिन विपक्ष लगातार जो सवाल खड़े करता है फिर सवालों में घिर भी जाता है। हमारे साथ फिलहाल BJP नेता अश्विनी शाही भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए कोमल जी, ये पार्टी का चुनाव, अध्यक्ष, ये सब कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और इसमें हम लोगों को कुछ विशेष बोलना नहीं है, मगर एक देश में एक मैसेज जाता है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, तो पार्टी थी, इनके एक भूल सुधार कर रहा हूँ, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, अब नहीं है। अब जहां देख ही रहे हैं आपको पंजाब में क्या दुर्दशा है, इनकी राजस्थान में क्या है, पूर्ण तीन राज्यों में पूर्ण है, बाकी जगह तो लोगों के मर्सी पर हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, सोनिया गांधी एंड सन्स, ये तीन लोगों के बीच में सिमट कर ये पार्टी पूरी तरीके से रह गई है कोमल जी। और देखिए, दो सालों से इनको एक अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, अब दो एक साल बाद का अध्यक्ष का कार्यकाल घोषित किया है। क्या नेताओं की कमी है? नेताओं की कमी नहीं है। G23 ने जो कि इनके बुजुर्ग नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उन्होंने इनको सलाह देने की कोशिश की, मगर उसको आज सोनिया जी ने सबको समझा दिया कि देखिए भाई, कांग्रेस जो है, जो भी है, वो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द है, बाकी नहीं है। सीताराम केसरी जी ने एक बार अध्यक्ष बनने की गलती की, उनको उठाकर फेंक दिया गया, इस तरीके से वो पूरे देश ने देखा। आज वो स्थिति कोमल जी ना आए, इसलिए एक मैसेज दिया गया G23। एक दिन कपिल सिब्बल साहब ने सिर्फ एक सलाह दे दिया था, उनके घर टमाटर और पत्थर फेंके गए। तो कांग्रेस में अब वो चीजें नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। आज कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो चुकी है लगभग। हाँ, इनका आंतरिक चुनाव है, वो चुनाव करते रहे, हम लोग सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि एक इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, तो एक अध्यक्ष तो होना लाजमी है, चाहे उसको अपने देश के जो है पूर्व अध्यक्ष जो इनके पार्टी के थे उनको बनाया जाए, या उनकी माता जी को बनाया जाए, या प्रियंका जी को बनाया जाए, या वाड्रा जी को बनाया जाए, किसी को बनाया जाए, एक पार्टी को अध्यक्ष मिलना चाहिए। जी अंशुल जी, क्या पार्टी में, अगर मैं G23 के नेताओं की बात करूं, वरिष्ठ नेताओं की बात करूं, उनका उनकी अहमियत इतनी कम है क्या कि जो उनकी बातें सुनी जाती है उसके बाद उनको इसी तरह से छोड़ भी दिया जाता है? पिछले दो सालों से भी देखा जा रहा है अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है, अब लगभग ये इतना लंबा वक्त तय कर दिया गया, आपने एक प्रक्रिया बता दी कि इतने लंबे वक्त में ये चुनाव होना है और इसके बाद ये चुनाव होना है, फिर अध्यक्ष चुने जाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई, फिर चाहे हम पंजाब की तस्वीर ले लें, फिर चाहे राजस्थान की तस्वीर ले लें, हर जगह कुछ कलह की तस्वीरें सामने, ऐसे में अगर एक अध्यक्ष होता है वो संभालता है, लेकिन सोनिया गांधी ने आज ये भी साफ कर दिया कि पूर्णकालिक उनको अध्यक्ष माने और जो भी बात करनी है उसे सीधा करें, मीडिया के जरिए नहीं, तो G23 के जो नेताओं के लिए ये बात कही गई, क्या उनकी अहमियत इतनी है? देखिए, मैंने पहले कह रखा, ये पार्टी जमहूरियत में विश्वास करती है और करती रहेगी, यहाँ पर सलाह मशवरा चलता रहता है, लोग अपनी जो भावना है, जो विचारधारा है, वो व्यक्त करते रहते हैं। आखिर ये तो कैसा सलाह मशवरा है अंशुल जी, जो पार्टी से बाहर निकल कर आता है और सामने वाली पार्टी को, अपोजिशन को एक मौका देता है सवाल खड़े करने के, ये कैसा सलाह मशवरा होता है पार्टी में? सवाल तो मेरे भी बहुत सारे हैं ना, बिल्कुल करिए सवाल। मैं अपने माननीय तर्जुमान की बात सुनी अश्विनी जी की, उन्होंने कहा कि भाई, अरे उनकी पार्टी में तो जमहूरियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपने देखा कि गुजरात में हुआ कहां, एक मिनट में जादू की छड़ी की तरह सबको बदल डाला। मतलब इतनी विफल उनको वो सरकार लगी, इतनी अयोग्य लगी कि उनको लगा कि भाई गुजरात के सब लोगों को बदल डालें, और किसने एक चू नहीं कही।
मतलब सब लोग नाराज थे उसमें, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। और आप जानते हैं क्योंकि वहां पर कोई प्रजातंत्र नाम की तो कोई चीज नहीं है, बल्कि वो भी वो एक पारिवारिक पार्टी है और वो संघ परिवार के इशारों पे चलती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उनके जो आइडियोलॉग हैं, जो ऊपर उनके बैठे हैं, उनके इशारों पे ये नाचती है ये पार्टी। इनकी अपनी कोई विचारधारा है नहीं और उन्हीं की विचारधारा को लेके ये आगे बढ़ती है। जमहूरियत नाम की, प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं है इस पार्टी में। कौन सा यहाँ पर चुनाव हुआ आप ये मुझे बताइए। और जहां पर कांग्रेस का सवाल है, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर विचारधारा है, यहाँ पर संवाद होता है, यहाँ पर विचार विमर्श होता है, यहाँ पर गुफ्तगू होती है, प्रतिस्पर्धा भी यहाँ पर है। अरे भाई सियासत में है तो ये सब चलता है, यहाँ पर ये सब होता है। लेकिन बहुत लेकिन ये कैसी प्रतिस्पर्धा है अंशुल जी, कि अपनी ही पार्टी में एक नेता दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बाकी की पार्टियों से क्यों नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं से क्यों प्रतिस्पर्धा हो रही है? नहीं नहीं देखिए, कोई महत्वाकांक्षी होना कोई जरूर कोई जुर्म नहीं होता किसी भी पार्टी में सियासत में आए हैं। यदि आपकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा ऊपर हो जाएं तो जनता तक क्या संदेश पहुंचाइएगा? अरे ये बहुत लंबी पार्टी है, अगर आप पार्टी का या कोई भी पार्टी का इतिहास देखें तो आपस में विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक है। उस मंजिल को पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते लोग सोच सकते हैं। हमारी क्या बुनियादी जो सिद्धांत है वो क्या है आप जानते हैं, सामाजिक न्याय है, वो समावेशी विकास है, मजहबों का एहतराम है, अभिव्यक्ति की आजादी है, समाजवाद है, ये हमारे सिद्धांत हैं। ये प्रजातंत्र, हमारी जमहूरियत को महफूज रखना, ये हमारे सिद्धांत है। ये बीजेपी के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है। चलिए बीजेपी के सिद्धांतों पर भी बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो जिस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रतिस्पर्धा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ने कई सारे सवाल कर डाले, इनके जवाब जानेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और सीधा रुख करेंगे बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी का। अश्विनी जी, डॉक्टर अंशुल को आपने सुना ही था ब्रेक के पहले, उन्होंने बीजेपी के सिद्धांतों को लेकर काफी कुछ कहा और लगातार सिद्धांतों को लेकर, प्रतिस्पर्धा को लेकर कई सारी चीजें कही हैं। कांग्रेस को लेकर जब हम बात करते हैं, आज जो ये बैठक हुई उसके बाद कई सारी चीजें सामने आई, ऐसा लगने लगा है कि सोनिया गांधी जी ने जो तमाम चीजें कही हैं, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ऐसे कई सारे सवाल जिनका जवाब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के सिद्धांतों को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे अश्विनी? कोमल जी देखिए, बीजेपी अपने सिद्धांतों पर कायम थी, है और आगे भी रहेगी। यहां पर यह कोई परिवारवाद नहीं है कि परिवारवाद की तरह चलेगा, जैसा कि दिख रहा है कि सोनिया जी ने आज कहा है सभी नेताओं को बैठाकर, जो सीनियर लीडर्स हैं, इनके यहां नेताओं की कमी नहीं, G23 में जितने नेता हैं वो एक से बढ़कर एक नेता है। उन्होंने क्या कहना चाहा, उन्होंने अपनी बात ही रखनी चाहिए कि कांग्रेस को कैसे पुनर्जीवित करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में देखिए स्थितियां बहुत विकराल हो चुकी हैं, राजस्थान में वही स्थिति है, पंजाब की स्थिति सबने देखा, कहां पर ये लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इस समय हिंदुस्तान से इनका सफाया है और हम लोग भी चाहते हैं कि इस समय देश में अगर विपक्ष नहीं होगा तो ये उचित नहीं होगा लोकतंत्र के लिए, तो हम भी चाहते हैं कि ये लोग कहीं मजबूती से आए। मगर कांग्रेस ने जो है कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है जाकर, हर जगह जाने के बाद वही स्थिति हो रही है। जहां पर देखा जाए तो ये जमहूरियत की बात करते हैं, अरे जमहूरियत की बात करने वाले लोग कांग्रेस में जब ये सदन में कहते हैं कि नेता कि कश्मीर का मामला जो है यूएन में उठाना चाहिए, तो ये जमहूरियत की बात करते हैं न, देश में जमहूरियत की बात करते हैं ये, न अंदरूनी पार्टी में बात करते हैं। हाँ, परिवारवाद की बात जरूर होती है, जहां पर सोनिया जी, इंदिरा जी सब लोग काबिज थे और आज भी है, वो एक इनकी विरासत है, एक रियासत है जिसको लुटते हुए नहीं देखने देना चाहते हैं। नरसिम्हा राव जी ने एक बार किया था इनके ऊपर वार, नरसिम्हा राव जी को उनका एक समाधि स्थल बनाने की जगह ये परिवार नहीं दिल्ली में मुहैया करा पाया, उनकी लाश कहाँ गई, शव कहाँ गया, उनका क्या स्थिति हुई। सीताराम केसरी जी को किस तरीके से उठाकर फेंका गया, वो भी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ पर उसकी जमहूरियत की बात तो नहीं करे कांग्रेस तो ज्यादा बढ़िया है। अगर जमहूरियत की बात करनी हो तो मानिए अपने कपिल सिब्बल जी की बात, उनके यहाँ पत्थर मत फेंकवाइए, मानिए अपने गुलाम नबी जी की बात जिनके विदाई समारोह में
पूरा विपक्ष गमगीन होता है, लेकिन आप लोग जो है एक आंसू नहीं बहाते हैं और ना उनको किसी प्रदेश से फिर दोबारा भेजने की जहमत उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक रास्ता दिखाने का काम किया। वो कहना चाहते हैं कि वो इंदिरा जी के समय से काम कर रहे हैं और राजीव जी के साथ काम किया और आज भी सोनिया जी के साथ काम किया, तो आज कांग्रेस किस दिशा में जा रही है उसको दिशा दिखा रहे हैं। इनके आज जो दिशा दिखाएगा उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उसको बेइज्जत किया जाएगा, तो कहां आई जमहूरियत? न जमहूरियत है न इंसानियत है। कांग्रेस अपने आप में अब खत्म हो चुकी है, सभी लोग हंसी के पात्र हो चुके हैं। जहां जा रहे हैं लोग, एक इनकी नेत्री हैं, वो जहां जा रही हैं झाड़ू लगा रही हैं, मोदी जी के सपनों को साकार कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। दूसरे सज्जन उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जहां जाएंगे वो आलू से सोना ही निकालेंगे। तो आज कहीं प्रासंगिक नहीं रह गई है कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में, और जिसको बचाना इन लोगों के लिए जरूरी है, न कि भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र पर सवाल उठाना। डॉक्टर अंशु, सुनी लिया होगा अश्विनी जी को आपने, ऐसे में एक बात तो ठीक है, क्योंकि अपने आप को अगर बचाना है तो पार्टी में पहले एकता लानी होगी, जो नेता इधर उधर हो रहे हैं जिनमें गलत फहमी है उसको दूर करना होगा, ना कि दूसरे पर सवाल खड़ा करके। ठीक है, दूसरे पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जवाब भी लेने होते हैं, लेकिन ऐसे में ज़रूरत पहले ये होती है कि आप अपना कलह पहले दूर करें। लेकिन अब हम जीते इस नेताओं को लेकर बात कर ले, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि दिखती है, उसको कैसे शांत कीजिएगा? कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी नहीं है, सबसे पहले तो मुल्क को बचाना जरूरी है। ये मुल्क खत्म होता जा रहा है। यदि पार्टी में एकता नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, तो देश को कैसे बचाएंगे? आपके नेता अगर अलग अलग काम कर रहे होंगे तो कैसे बचाएंगे देश को? कोमल जी, आप ये क्यों कह रही हैं बार बार कि कोई यूनिटी नहीं है, कोई एकता नहीं है? यहाँ पर एक बिल्कुल सहमति थी। आपने रणदीप भाई का जो बयान था शायद ध्यान से सुना नहीं, वहां पर कहा? बिल्कुल ध्यान से सुना मैंने, और पंजाब की स्थिति भी ध्यान से देखी मैंने, राजस्थान में जो भी हुआ वो भी ध्यान से देखा था मैंने। सरकार पे बिल्कुल, अर्थस्थिति तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है ना, गरीबों पे वार हो रहा है, सारे जो यहाँ पर नीतियां हैं गरीब विरोधी नीति है, यहाँ पर गरीब और अमीर की जो खाई और दूर होती जा रही है, यहाँ पर किसानों पे वार हो रहा है, काले कानून आप ले नहीं रहे हैं वापस, वहां पर कोई समझौता नहीं हो रहा, कोई संवाद नहीं हो रहा, कैसे जबरन से ये बिल जो पास किया गया था बिना स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किए गए, ये अंशुल तो जी पंजाब की स्थिति को लेकर जवाब देंगे? चलिए मेरा एक सवाल, पंजाब की स्थिति को लेकर जवाब देंगे? जो भी वहां पर स्थिति उत्पन्न हुई, अंशुल जी मेरा सवाल सुन लीजिए, जो भी स्थिति वहां उत्पन्न हुई उसके बाद यही जो सबसे बड़ा सवाल ये कि एक अध्यक्ष चाहिए और एक मार्गदर्शन चाहिए, जिसकी कमी नजर आ रही है, अगर वो होता तो पंजाब में ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ये आप बार बार ये कह रही हैं, हमारा नेतृत्व है पूरा सीडब्ल्यू, कैसा नेतृत्व है फिर ये? सोनिया जी के नेतृत्व पे पूरा विश्वास है, वो संभालेंगी ये नेतृत्व, जब तक चुनाव नहीं होते उसका वो खत्म नहीं होते, वो सितंबर में खत्म हो जाएंगे। तो हमारी बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई ना, पिछले दो सालों में क्या किया गया, पिछले दो सालों में क्या किया गया? अरे पिछले 7 साल से भाजपा क्या कर रही है, अपनी योग्यता का शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। आप हमने इनको एक तोहफे के रूप में 8% जीडीपी दिया था, उसको खत्म कर करके 4% ले आए, फिर माइनस में चले गए। गरीबों की रेखा आप देखिए, जो 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, उनकी प्रतिक्रिया देखिए, जो वैक्सीन आए थे ना, ऑर्डर दिए गए, दूसरी लहर का कहर आप भूल गई, जब ऑक्सीजन नहीं थे, जो लोग सांस लेने पे तड़प रहे, वो स्थिति भी सभी ने देखी है, वो स्थिति भी सभी ने देखी है अंशुल जी, वो स्थिति सभी ने देखी है। आज के जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं, कोरोना काल की स्थिति को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो मैं तो अयोग्यता पे प्रश्न उठाना है, योग्यता पर प्रश्न, देखिए हमारे, हम तो सत्ता में है नहीं, ठीक, हम तो 7 साल सत्ता में है नहीं। चलिए अश्विनी जी से जान लेते हैं, अश्विनी जी बोलिए बोलिए बोलिए। कोमल जी देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया चार मुद्दे बहुत बढ़िया सलीके से उठाए हैं। कांग्रेस को नहीं बचाना है, कांग्रेस बची हुई है, लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा, अभी आपने एक वामपंथी लीडर को ज्वाइन कराया और आपके ऑफिस में बैठकर उसने आपके सुरजेवाला साहब और सारे नेता बैठे हुए, उसने कहा कि आज कांग्रेस को बचाने की जरूरत है। कोमल जी अगर गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, तो एक या तो आप गलत बोल रहे हैं या वो नेता जो आया वो गलत बोल रहा है, उनके कंधे पर तो राहुल जी जो है सवार होकर आगे की यात्रा करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं, आपने जीडीपी दिया, 100 सालों के बाद ये महामारी आई दो बार, पूरे विश्व में आज आईएमएफ से लेकर एडीबी, विश्व बैंक, कोई भी एजेंसी उठा लीजिए, हर व्यक्ति ने 8.5% 9%
8% से नीचे किसी ने नहीं दिया। इतना ग्रोथ आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान करने जा रहा है, न कि पूरे विश्व का कोई दूसरा देश। तो इतनी बढ़िया रिकवरी भी किसी की नहीं है, ये हम तो नहीं कह रहे हैं। IIMF हमने खरीद नहीं लिया, वर्ल्ड बैंक हमने खरीद नहीं लिया है, ADB हमने खरीद नहीं लिया है, ये वो लोग कह रहे हैं। तीसरी बात, आपने वैक्सीनेशन की कहा, आप ही लोग हंसते रहे, राहुल जी रोज भविष्यवक्ता की तरह ट्विटर पर ट्वीट करते रहे। आज 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला हिंदुस्तान 2-4 दिनों में देश हो जाएगा। चौथी चीज मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया 7 सालों में? भारतीय जनता पार्टी 7 सालों में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई भाई साहब, यही किया भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए ठीक है अश्विनी जी, और अश्विनी जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया। और लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस की स्थिति को लेकर, क्योंकि आज ये जो बैठक हुई है इसके बाद तमाम कुछ चीजें तो साफ हो गई, लेकिन कुछ चीजें अभी भी धुंधली सी हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कब मिलेगा, क्योंकि अगले साल सितंबर तक का वक्त तो दे दिया गया, पिछले 2 साल से भी इंतजार किया जा रहा था, लेकिन क्या वाकई में सितंबर तक अध्यक्ष मिल पाएगा? क्या वाकई में जो मार्गदर्शन कांग्रेस को चाहिए, पार्टी में सुधार चाहिए, वो मिल पाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।